आ रहा है सर, आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। सारे आ जाएंगे, सारे आ रहे हैं ना उसमें? नहीं नहीं, सही खड़े हैं, यहाँ आ जाओ आप, पड़े आप थोड़े। बस ठीक है, ऑर्डर आ गया। उत्तर प्रदेश के सम्मानित शिक्षा मित्र भाई बहनों, मैं रविंद्र सिंह, आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन प्रदेश कोषा अध्यक्ष। साथियों, 1/24 की लड़ाई को लेकर के उत्तर प्रदेश के विभिन्न संगठनों द्वारा, विभिन्न लोगों द्वारा, या आप कह सकते हैं जो बहुरूपिया थे, जिन्होंने याची के नाम पर 2,000 रुपये प्रति कैंडिडेट वसूलने का कार्य किया, उत्तर प्रदेश को लूट लिया, पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों को लूटने का कार्य किया और गुमराह करने का कार्य किया कि याची लाभ ही दिया जाएगा, और भोला शुक्ला जी को बदनाम करने का कार्य भी, लोगों को गुमराह करने का कार्य किया गया, जबकि भोला शुक्ला जी 1,24,000 शिक्षा मित्र की लड़ाई को सही दिशा में लड़ने का कार्य कर रहे थे। मैं कहना चाहूँगा, मेरी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा भी मुझे बताया गया कि एनसीटी ने सिर्फ 6 लोगों के ऊपर काउंटर लगाया है, लेकिन जब आज मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दिन पूरी तहकीकात करने पर पता चला कि शिक्षा मित्रों की लड़ाई को सही दिशा में लड़ने का कार्य हमारे भोला शुक्ला जी के द्वारा किया जा रहा था, जो निर्णायक लड़ाई अब मोड़ पर आ चुकी है और आने वाली डेट में उत्तर प्रदेश के 1,24,000 शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। इसका मैं पूरा श्रेय भोला शुक्ला जी को देता हूँ और आह्वान करता हूँ उत्तर प्रदेश के 1,24,000 शिक्षा मित्रों से कि भोला शुक्ला के खाते में 100 रुपये प्रति कैंडिडेट के हिसाब से लगा दीजिए और आने वाली डेट को भोला शुक्ला को इतनी ताकत दे दीजिए कि एक बड़े अधिवक्ता को हायर करके आपके भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करने का कार्य कर सके। मैं आगाह कर देना चाहता हूँ चंदा चोर नेताओं को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को गुमराह करके याची के नाम पर 2,000 रुपये वसूलने का कार्य किया है, वो भागने के लिए तैयार हो जाए। उत्तर प्रदेश में उन्हें भागने के लिए जगह नहीं दी जाएगी, प्रत्येक जनपद से उनके ऊपर FIR करवा के जेल में भिजवाने का कार्य उत्तर प्रदेश का एक शिक्षा मित्र करने जाएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भोला शुक्ला जी की टीम को, जिन्होंने पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ उत्तर प्रदेश की शिक्षा मित्रों की समस्या को समझा और इतना अवरोध उत्पन्न करने के बावजूद भी अपनी लड़ाई को सकारात्मक दिशा में लड़ते रहे। मैं किसी संगठन का कभी पदाधिकारी हुआ करता था, लेकिन सबसे पहले आम शिक्षा मित्र है। जब शिक्षा मित्र जीवित रहेगा तभी तो नेता रहेगा, और ऐसे नेता जिन्होंने सिर्फ शिक्षा मित्रों को गुमराह करके लूटने का कार्य किया है, इनकी औलादें तक विकलांग हो जाएंगी, इन्हें भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। पुनः मैं अपील करूंगा उत्तर प्रदेश के अपने भाई बहनों से कि आप लोग घर से निकल करके अगली डेट सोमवार को जो केस डेट लगी है वो आपके भविष्य की निर्णायक डेट है। आप लोग ईमानदारी से घर से निकल करके सिर्फ 100 रुपये इनके खाते में लगा दीजिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल होगा। 38,878 रुपये देने से कोई नहीं रोक पाएगा, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र खुशहाल होगा। धन्यवाद। मैं रवि सिंह, आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन प्रदेश कोषा अध्यक्ष।